अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेरॉक्सोलॉजिस्ट ऑफिशियल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सबसे पहले हमें समझना है कि सेल क्या है। देखो भाई, दुनिया में जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जिंदा जानदार, चाहे मेरी बात हो जाए, चाहे प्लांट्स की बात हो जाए, चाहे बैक्टीरिया की बात हो जाए, चाहे प्रोटिस्टा की बात हो जाए, या चाहे फंजाई की बात, दुनिया में जितने भी जानदार हैं, सारे बने हुए एक छोटे से यूनिट से, एक छोटे से टुकड़े से, और उस टुकड़े का जो नाम होता है वो आपके पास है सेल। उस टुकड़े का नाम क्या है? सेल। तो हम सारे बने हैं किस चीज़ से बने हैं? सेल से। अब हमने डिस्कस करना है कि सेल क्या है, सेल किस चीज़ को हम कहते हैं। तो अगर आप सेल के डेफिनेशन को देखो तो सेल हम कहते हैं, अगर आप सेल के डेफिनेशन को देखो तो हम कहते हैं सेल, इट इज द बेसिक, ये बुनियादी है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब इसके अंदर दो अल्फाज हैं, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ऑफ लाइफ, जो जिंदगी है वो तमाम बनी है किस चीज से बनी है? सेल से बनी है। और ये सेल जो है ये हमारा बुनियादी ढांचा बनाने वाला और काम करने वाला इकाई। अब ढांचा बनाने वाला इकाई और काम करने वाली इकाई का मतलब क्या है? ढांचा बनाने वाला इकाई का ये मतलब है कि जो हमारी अड़ियां हैं, जो हमारी अड़ियां हैं वो सारी बनी है किस चीज से बनी है? और अगर मेरे अंदर कोई आज़ा काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर मेरी आंखें काम कर रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रही है किस वजह से काम कर रही है? सेल से। तो मैंने कहा सेल इज द बुनियादी ढांचा बनाने वाला एंड फंक्शनल यूनिट, काम करने वाला यूनिट। तो सेल जो है वो ढांचे को भी बना रहा है और काम करने वाला यूनिट भी है। अब सवाल आता है कि सर हम सेल से बने हैं? जी हम सारे सेल से बने। सर पौधे भी सेल से बने? जी पौधे भी सेल से बने। सर तो हमारे और पौधों के सेल के दरमियान फर्क क्या फर्क है? तो आ जाए जी देखते हैं जी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, मेरे और प्लांट्स के सेल के दरमियान में क्या फर्क है। अब हमने सेल के दरमियान चूंकि डिफरेंस देखना है कि भाई सेल्स के दरमियान जो मेरा खुलिया है और प्लांट का जो खुलिया है दोनों के दरमियान फर्क क्या फर्क है। सबसे पहले हम एनिमल के सेल को डिस्कस करते हैं। एनिमल का मतलब है जानवर, मैं भी एक जानवर हूं क्योंकि इंसान भी एनिमल्स में आता है। अगर आप एनिमल्स के सेल को देखो तो एनिमल्स के सेल के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये पर्दा है, ये आपका एनिमल सेल है, ये आपका एनिमल सेल, एनिमल का खुलिया है। तो एनिमल के खुलिये के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये वाला पर्दा है। इस पर्दे को चूंकि ये पर्दा सेल का है इसी वजह से इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा इसके और भी नाम हैं, इस पर्दे के और भी नाम हैं। आप इसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप इसको कह सकते हैं बायो मेम्ब्रेन, आप इसको कह सकते हैं सेल सरफेस। ये कई बार एंट्री में आ चुका है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज, तो बायो मेम्ब्रेन का ऑप्शन होता है। फिर बच्चे वो कहते हैं कि सर सेल मेम्ब्रेन का ऑप्शन नहीं था, तो सेल मेम्ब्रेन का एक नाम बायो मेम्ब्रेन भी है या सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी इसका एक नाम है। तो ये सेल का पर्दा हुआ जिसे हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल के दरमियान में एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, ये राउंड स्ट्रक्चर चूंकि सेल के दरमियान में है, जिस तरह दुनिया के दरमियान में खाना काबा है तो दुनिया के न्यूक्लियस को खाना काबा माना जाता है, इसी तरह सेल के दरमियान के इस पोर्शन को हम मरकजा कहते हैं, और इसी मरकजे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के आस पास कुछ ऐसे पोर्शन है पोर्शन है टेलियो वाला, इस पैकेट वाले पोर्शन को हम कहते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई का मतलब है एंडो, प्लाज्मिक, आर का मतलब क्या है रेटिकुलम। हम आगे इस हर एक को तफसील से डिस्कस करते हैं। ये क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन। दरमियान वाला क्या है? न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के इस पोर्शन को, यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान वाली जगह को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये आपके पास क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक और जूते की तरह स्ट्रक्चर भी मौजूद है। अब ये जो जूते की तरह स्ट्रक्चर है, इसका NTIM काम है। ये हमारे अंदर एनर्जी को पैदा करता है। अब मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एनर्जी मुझे इस स्ट्रक्चर ने दिया है, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे चलते हैं। यहां पे कुछ और छोटे छोटे दानों की तरह स्ट्रक्चर है, जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना। मिसाल के तौर पर आपके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम इंसुलिन है। तो ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन को बनाने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो ये छोटे से स्ट्रक्चर हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइबोसोम। तो ये आपके पास क्या है? राइबोसोम। यहां पर एक और स्ट्रक्चर भी है, ऐसे स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का काम होता है सेल से जब कोई चीज बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है तो ये उस चीज को पैक करता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है गोल्जी बॉडी। इसके बाद जरा आगे चलते हैं। यहां पर एक और स्ट्रक्चर भी है। यहां पर हमारे पास छोटे छोटे ऐसे थैलियां होती हैं। यहां पर हमारे पास छोटे छोटे ऐसी थैलियां हैं, छोटी छोटी, एक हो गई, दूसरी है, तीसरी, छोटी छोटी थैलियां। इन थैलियों को हम नाम देते हैं लाइसोसोम। अच्छा, कुछ और थैलियां भी हैं, ये देख, कुछ और पैकेट भी हैं, छोटे छोटे थैले। इनको हम कहते हैं वैक्यूल। एक और स्ट्रक्चर भी है जिसका काम होता है सेल को तकसीम करना, और वो स्ट्रक्चर यहां पर न्यूक्लियस के आसपास मौजूद है। तो मैं इसको यहां पे ड्रा करा देता हूं। ये इसका काम होता है सेल को तकसीम करना। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। अलावा कई और सारे स्ट्रक्चर भी हैं यहां पर इसी एनिमल सेल के अंदर, जैसे आपके पास साइटोस्केलेटन है, पर ऑक्सीसोम है, ग्लायो ऑक्सीसोम है, और भी कई सारे स्ट्रक्चर है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आपके पास एक एनिमल का सेल है। हमने कहा एनिमल सेल के सबसे बाहर वाले पर्दे को हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन। दरमियान वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान वाले पोर्शन को हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये थैलियों वाला स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा? गोल्जी बॉडी। यहां पे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे छोटे छोटे दाने हैं जिसको हमने कहा राइबोसोम। यहां पर दो और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्या? सेंट्रियोल। कुछ और छोटे छोटे थैलियां हैं जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम, और पैकेट्स भी हैं, छोटे थैलियां भी हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। तो सर, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है? एनिमल सेल का। अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि ये एनिमल सेल है। अगर आप इस एनिमल सेल को देखो तो इस एनिमल सेल के बाहर वाली ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को मैंने आपसे कहा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल के दरमियान में एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये सारा जो पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सारा पोर्शन क्या है? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनली मौजूद है, जैसे आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपके पास गोल्जी बॉडी है, जैसे आपके पास लाइसोसोम्स है, जैसे आपके पास पेरोक्सिसोम है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन है, ये सारे ऑर्गेनली मौजूद है इस दरमियान वाले पोर्शन में, और जिसको हमने नाम दिया इस दरमियान वाले पोर्शन को, जिसको हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। तो सर, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल का सेल का है। हमने एनिमल के सेल को देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं प्लांट के सेल को, कि भाई पौधों का जो खुलिया है, पौधे जिस छोटे यूनिट से बने हैं जिसको हमने सेल कहा, तो पौधों का सेल कैसा है? तो आ जाए जी, सबसे पहले देखते हैं प्लांट के सेल को।
अच्छा, प्लांट के सेल में एक इजाफी स्ट्रक्चर मौजूद है और ये इजाफी स्ट्रक्चर जो है एनिमल के सेल में मौजूद नहीं है। अच्छा जी, पौधों के सेल में बाहर की तरफ एक इजाफी स्ट्रक्चर होता है और वो इजाफी स्ट्रक्चर ये है। इस इजाफी स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या आपको एनिमल के सेल में दिखाई दे रहा है? नहीं, एनिमल के सेल में सेल वॉल क्या है? एब्सेंट। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ मौजूद है यहां पर, किसके अंदर मौजूद है? प्लांट के सेल। तो ये जो हम ड्रा कर रहे हैं, ये किसके सेल को ड्रा कर रहे हैं? प्लांट के सेल। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। सेलवाल के बिल्कुल नीचे की तरफ एक और पर्दा है। सेलवाल के नीचे की तरफ पर्दा है और इसी पर्दे को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इस पर्दे को जो सेल वॉल के बिल्कुल नीचे मौजूद है, इसी पर्दे को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? सेल मेम्ब्रेन। तो इसका ये मतलब है सेल मेम्ब्रेन एनिमल के सेल में भी मौजूद है और प्लांट के सेल में भी मौजूद है। लेकिन फर्क क्या फर्क है? एनिमल के सेल में सबसे बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट के सेल में सेल वॉल के नीचे मौजूद है, क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। आगे चलते हैं जी। अब आपने देखा कि एनिमल के सेल के अंदर एक गोल सा स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट के सेल के अंदर यही न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे मौजूद है। ये देखो, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे मौजूद है। तो हम कहेंगे दो डिफरेंस आए। पहला डिफरेंस, एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, जबकि प्लांट के सेल के अंदर क्या मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या है? साइड पे है। अब सवाल आता है, सर प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड पे क्यों है, एनिमल सेल का दरमियान में क्यों है? तो एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे थैले थे जिसको हमने क्या कहा? वैक्यूल। लेकिन प्लांट सेल के अंदर यही वैक्यूल बड़ा होता है। ये देखिए, ये वैक्यूल क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। इसकी वजह से ये वैक्यूल है, इस बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे हो जाता है। तो तीन डिफरेंस है, पहला सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियस दरमियान में, न्यूक्लियस साइड पे, तीसरा वैक्यूल छोटे और यहां पे वैक्यूल क्या है? बड़े हैं। चौथा डिफरेंस देखें, चौथा, अगर आप देखें तो एनिमल सेल के अंदर छोटे ऑर्गेनेल मौजूद थे जिसको हमने क्या कहा? सेंट्रियोल। लेकिन ये सेंट्रियोल प्लांट के सेल के अंदर मौजूद नहीं है, तो चौथा डिफरेंस हुआ। पांचवें डिफरेंस को देखें, चूंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से प्लांट्स के सेल के अंदर एक खास किस्म का ऑर्गेनेल होता है। यह ऑर्गेनेल इस वजह से मौजूद है क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस छोटे से ऑर्गेनेल का नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो पांच डिफरेंस आपने देखे कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं है। एनिमल का न्यूक्लियस सेंटर में है, प्लांट का न्यूक्लियस साइड पे है। एनिमल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एक दाना है और बड़ा है। चौथे डिफरेंस को देखें, प्लांट के अंदर एनिमल के अंदर जो है सेंट्रियोल मौजूद है,
लेकिन प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। पांचवें डिफरेंस को देखें, प्लांट के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेली हैं, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप बात करें तो ये है, ये आपके पास मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप बात करें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान वाली जगह को हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे भी मौजूद है। ये देखें क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद। अगर आप यहाँ पे देखें कि छोटे फैले वाले स्ट्रक्चर थे जिसको हमने क्या कहा, गॉल्जी बॉडी, तो यहाँ पे भी देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपके पास मौजूद है, क्या मौजूद है, गॉल्जी बॉडी। अगर आप यहाँ पे देखें ये थैलियों वाला स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या कहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी मौजूद है। ये देखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद। अगर आप यहाँ पे देखें छोटे छोटे दाने जिसको हमने क्या कहा, राइबोसोम, तो ये राइबोसोम यहाँ पर भी मौजूद है। ये है, ये राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनेली बाकी सेम है, लेकिन डिफरेंस प्लांट और एनिमल के दरमियान कितने हैं, पांच। पहला सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है। दूसरा न्यूक्लियस सेंटर है, न्यूक्लियस साइट पे। तीसरा वैक्यूल कई सारे हैं और छोटे हैं, जबकि यहाँ पे वैक्यूल एक दाना है और बड़ा है। चौथा देखें, यहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद है एनिमल के सेल के अंदर, और प्लांट के सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं है। पांचवें को देखें, प्लांट के सेल के अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पे इस वजह से मौजूद है क्या, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। अगर हम डायग्राम पे चेक करें जरा, ये आपके पास प्लांट का सेल है। अगर आप इस सेल को देखो तो सबसे बाहर की तरफ एक मोटा सा दीवार है जिसको हमने कहा सेल वॉल। ये देखिए सेल वॉल है। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया कि सेल वॉल के बिल्कुल नीचे एक पतला सा पर्दा है, इसी पतले से पर्दे को हमने कहा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद देखें, मैंने आपसे कहा सेल के एनिमल के सेल के दरमियान में एक स्ट्रक्चर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे, ये देखिए न्यूक्लियस प्लांट सेल का क्या है, साइड पे। न्यूक्लियस क्यों साइड पे है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा थैला मौजूद है जिसको हमने वैक्यूल कहा, जिस न्यूक्लियस को साइड पे खेलता है। इसके बाद देखें जी, न्यूक्लियस पास थैलियों वाला स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद देखें एक और थैलियों वाला स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा, गॉल्जी बॉडी। एनिमल प्लांट सेल के अंदर एक और खास स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है, और इस खास स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये है एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान में फ़र्क, और यहाँ पर आज का हमारा क्लास जो है वो ख़त्म होता है। कल जो है इंशाल्लाह अब देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है।